नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, कचरा संग्रहण एवं निपटान, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। और आज जो टॉपिक है वो है कचरे का निपटान। कचरे का निपटान किस प्रकार होता है, ये जो कचरा हमारे सफाई कर्मचारी लेकर जाते हैं वो कहाँ लेकर जाते हैं, उसका आगे क्या होता है, ये सब हम लोग आज के सेशन में समझ रहे हैं। तो टाइम है बुक खोलने का, खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों, कचरे का निपटान की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी, जो सारे हमारे क्षेत्र से जो कचरा लेकर जाते हैं, उसको वो ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहाँ काफी एक गहरे गड्ढे होते हैं, वहां ले जाते हैं। तो ये जो एक हमारे शहर के बाहर एक क्षेत्र होता है, जिसको भराव क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो है भराव क्षेत्र, ये इस टाइप से देखेंगे, बहुत बड़ा सा एक फील्ड होता है, वहां पर उसको लेकर जाते हैं। फिर उस क्षेत्र में क्या होता है कि जो हमारा कचरा इकट्ठा होता है, उसका फिर से एक सेग्रीगेशन होता है, और उसके ये देखा जाता है कि उसमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे को से पृथक किया जाता है। तो जो कचरा बिल्कुल किसी का उपयोग में नहीं आ सकता है, उसको सेपरेट करा जाता है, और उसमें से देखा जाता है कौन सा उपयोग में आ सकता है, किसका हम कुछ और रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो होता है, कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव वहां मिलते हैं, क्योंकि काफी कुछ जो हम घर से अपना थ्रो कर देते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी के शायद कुछ काम में आ सके। हमने अगर पुराने खिलौने थ्रो कर दिए हैं, हमारे मन हमें कोई जूता चप्पल जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, छोटा हो गया, वो हमने थ्रो कर दिया, लेकिन वो किसी के काम में आ सकता है। तो इस प्रकार उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव में जो कचरा इकट्ठा होता है, उसको सेपरेट कर दिया जाता है। और जो अनुपयोगी अवयव होता है, देखिए, जो उपयोगी लगता है वो तो सेपरेट हो गया, उसका फिर कहीं ना कहीं लोग उसको अपने पर्सनल यूज में लेते हैं, या और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो अनुपयोगी पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, फिर जो ये हमने बड़ी फील्ड देखी थी, इसमें वो फैला देते हैं, और उसको फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। तो एक्चुअल क्या होता है कि जो कचरा होता है, जो बिल्कुल अनुपयोगी है, जिसका कहीं किसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते, उसको फैला के उस पर मिट्टी से ढक देते हैं, वो हमें सामने एक दिखाई नहीं देता है। और फिर जब ये धीरे धीरे एक वो करते हैं, और जब उसका एक लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो पूरा क्षेत्र ये कचरे इससे भर जाता है, तब इसको आगे चलकर एक पार्क अथवा खेल के मैदान में उसको बदल देते हैं, क्योंकि वो अनुपयोगी है, वो अंदर उसका डिकम्पोज होता रहता है और वो मिट्टी में मिलता रहता है। तो लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। तो कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। तो यहाँ जो है, इसके पास क्या होता है, ये कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है, कंपोस्ट क्या होता है? तो यहाँ पे कंपोस्ट को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें आप घर का जो आपका कूड़ा कचरा जो भी एक आपका इकट्ठा होता है, उसको आप दो समूह में बांटिए, मीन्स आप दो कंटेनर रख सकते हैं जो आप सेग्रीगेट करते रहें। पहले समूह में तो जो आपके रसोई घर का कचरा है, जैसे जो फल सब्जी का है, आपके अंडे के खोल हैं, जो भोजन आपका आपने नहीं खाया, बेकार हो गया, चाय की पत्ती, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां, कागज की थैलियां, तो ये प्लास्टिक की थैलियां नहीं, कागज की थैलियां, ये सारे एक ग्रुप बना दीजिए। और जो बाकी का एक ड्राई वेस्ट है, जैसे आपके कपड़े के हैं, पॉलिथीन है, कांच है, एल्यूमिनियम है, ये सारी जो चीजें हैं, लोहे का कोई एक आपका
कचरे के रूप में कोई सामान है उसको आप समूह दो में बांट दीजिए। फिर आप क्या करें, ये प्रत्येक समूह के ए को भी फिर फर्दर दो ग्रुप्स में बांटे, मतलब समूह ए को आप ए और बी में बांट दीजिए और समूह बी को सी और डी। और ये जो आपने पहले दो कंटेनर में करे थे अब इनको आप चार रूप में कर दीजिए, पहले का दो और दूसरे का भी दो। तो इस प्रकार आप चार पॉलिथीन तैयार कर लीजिए और इनको क्या है एक एक करके ढेरी, तो आपने जो ये चार आपने जो इकट्ठा कर लिए इसको आप मैदान के चार गड्ढे खोदकर वह प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी ढेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर आप इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। तो ये आपको यहाँ चित्र में भी दिखाया, तो इस प्रकार आप चार गड्ढे करके और इनको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, क्योंकि जहां हमने देखा था कि जहां सारा कचरा इकट्ठा होता है शहर का वो भी फैला करके मिट्टी के अंदर दबाया जाता है। तो घर पर भी आप यही कार्य करिए कि जहां आपकी मिट्टी है वहां पे आप दबा दीजिए और फिर चार दिन के पश्चात कचरे के ऊपर आप वो जो थैली है वो निकालिए, मीन्स जो आपने मिट्टी में दबाया था मिट्टी को साइड करके आप उनको देखें। तो और फिर आप जो आपने थैलियां रखी थी उन सबको ऑब्जर्व करें, तो आप ये देखेंगे कचरा जो है जो आपने जैसे अलग अलग रंग की फल सब्जियों के छिलके वो सब डाले थे वो काला सा होने लगता और उससे कोई दुर्गंध ना आना ये दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघटन हो गया है। अब आप क्या करें, इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए और आप दो दो दिन के अंतर पे इसका अवलोकन करते रहिए। तो या और फिर आप एक नोट तैयार करें और इसमें आप ये जो है ए बी सी डी का आप इस टाइप से अपना एक चार्ट बना के इसका पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चार दिन बाद ए थैली का क्या हुआ, छह दिन बाद, दो दिन सप्ताह बाद, चार सप्ताह बाद ए बी सी डी थैली में क्या क्या फर्क आपको देखने को मिला वो आप नोट करते रहिए और आपको कुछ और समझ में आता है वो भी आप सेपरेट नोट में करिए। तो इसमें आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये जो आपने जो कचरा डाला था वो पूर्णतः विघटित हो गया है और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे आप मृदा में मिला सकते। तो जो आपने चार टाइप के थैली जो दबाई थी तो एक जो पूरे काले रंग का हो गया और उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है तो वो जो आपका जो अब जो मिक्सचर मिला है वो आप मिट्टी में आप उसको मिक्स कर सकते हैं और वो आपकी कोई भी पौधा उधर लगा सकते हैं क्योंकि वो एक कंपोस्ट की तरह तैयार हो गया। तो यहाँ ये देखा कि हम कुछ जो हमारे जो कचरा हमने इकट्ठा करा था वो कंपोस्ट रूप में बदल सकता है, कुछ नहीं बदल सकता। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हमारे किचन का जो वेस्ट होता है, हमारी सब्जियों का जो होता है, या बेसिकली अगर हम कहें जो हमने ऊपर एक ग्रुप में जो ये समूह एक में जो हमने चीजें डाली थी इनका पूरी तरीके से एक विघटन हो जाता है और इस प्रकार थोड़े टाइम में उनको वो एक कंपोस्ट के रूप में तैयार हो जाता है और ये जो कंपोस्ट होता है यह हमारे पेड़ पौधों के लिए एक बहुत न्यूट्रिशन का कार्य करता है। तो कुछ पदार्थों के विघटित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं और कुछ शहरों तथा नगर में जो आपके जो नगर पालिकाएं हैं वो जनरली क्या होता है वो आपसे कहती हैं घर से ही आप हमें सेग्रीगेट करके दें, किचन वेस्ट आप एक में दीजिए हमें और जो ड्राई वेस्ट है प्लास्टिक है आपकी बॉटल्स हैं कांच है लोहे का कुछ है वो अलग आप दीजिए क्योंकि फिर वो जो हमारा किचन वाला वेस्ट है वो कंपोस्टिंग में चला जाता है और ड्राई वेस्ट एक जगह इकट्ठा होता है तो हम वहाँ उन जो सफाई कर्मचारी हैं उनका काफी काम एक हल्का हो जाता है और हमारी कंपोस्ट भी अच्छी तरीके से तैयार हो पाती है। और प्राय जो जो कूड़ेदान होते हैं उनको नीला रंग और हरे रंग से पेंट करा हुआ होता है तो ये आपको जगह जगह अगर कूड़ेदान मिल रहे हैं आपको दो रंग के मिलते हैं तो अगर आप बाहर कहीं कचरा डाल रहे हैं तो देखकर डालें
कि जो हरे रंग का है वहां पे आप उसको वेट वेस्ट कहते हैं जो किचन का होता है, और नीले रंग में आप ड्राई वेस्ट डालिए, तो जो प्लास्टिक से रिलेटेड होता है, तो या लोहे और अलग जो ऐसा सामान जो विघटित नहीं हो पाता है। तो हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो इनको हम एक वेट वेस्ट भी बोलते हैं, या क्योंकि ये जो होते हैं, ये जो किचन से रिलेटेड जो वेस्ट होता है या कचरा होता है, ये पूरी तरह एक डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि जो हमने दो समूह में जब हम ऐसे बांटते हैं, तो हम एक अपने कचरे को फिर एक किसी उपयोगी रूप में फिर से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये और दूसरा एक और होता है जो प्लांट वेस्ट से रिलेटेड होता है, कि जब हमारे बहुत एक जैसे फसल कटी है या पतझड़ हुआ है, बहुत पत्तियां इकट्ठा हो गई हैं, तो क्या जनरली क्या होता है, ये जो इस प्रकार का जो प्लांट से रिलेटेड जो वेस्ट होता है, खेत खलियानों के पास जो ये एक सूखी पत्ती इनका कचरा होता है, तो उसको जो किसान लोग या वहां के गांव के लोग वो सब उसका कैसे निपटान करें, उसको जला देते हैं। लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये जो होते हैं जब उनको जलाया जाता है तो बहुत धुआं होता है और उससे बहुत गैसें बनती हैं, और वो एक बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक एक, क्योंकि उस गैसेस निकलती हैं बर्न होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो पूरे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देती है, और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और वो सांस के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो इस पद्धति को ये जलाना नहीं चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। और इसको जलाने से अच्छा किसानों को ये सिखाया जाए कैसे उसको वो कंपोस्ट रूप में बदल सकते हैं, वो कहीं एक गड्ढा करके उसमें पत्तियों को दबा सकते हैं। तो कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली एवं मुझे द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार हैं। तो उन्होंने लिखा है कि पत्तियों को ना जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे, और सरकार ने पत्तियों को जलाना, यहाँ पे वो ये बच्चा पूछ रहा है कि इसको चोरी क्यों नहीं माना। तो चोरी तो बच्चों ये होता है जब हम किसी के यहाँ से कोई चीज उठा लें, तो ये वास्तव में चोरी नहीं होती है, ये एक ऐसी कोई गतिविधि हो रही है जो पहले तो क्योंकि इतना एक खुला एटमॉस्फेयर था तो हमें इतना नुकसान नहीं होता था, लेकिन ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है और उसमें और जलकर जो धुआं होता है, तो वो अब एक वातावरण में एक बहुत अधिक ऐसी गैसें उत्पन्न करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पे ये एक आपसे कह रहे हैं कि चोरी नहीं, उसका बच्चे का मतलब था गैर कानूनी अथवा अपराध क्यों नहीं कहा जाता है। तो यहाँ जो है आपको ये कि अगर आपकी भी नॉलेज में ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ पे पत्तियां ये सब जलाई जाती हैं, तो आप उनको जानकारी दे सकते हैं कि जलाने से अच्छा है कि आप उनको कंपोस्ट बनाएं, तो इससे आपकी जो फसल है, आपके जो आप जो पैदावार कर रहे हैं, उनको एक नेचुरल वे में न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये आपको एक जानकारी मिली है जिसको आप खुद भी समझिए और उसका उपयोग कीजिए। तो आज के नोट्स देखते हैं। भराव क्षेत्र, जिन खुले क्षेत्रों में गहरे गड्ढे होते हैं तथा इन गड्ढों में शहर का कचरा एकत्रित किया जाता है, इन खुले स्थानों को भराव क्षेत्र कहते हैं। जब यह भराव क्षेत्र भर जाता है तब प्राय इसे खेल का मैदान अथवा पार्क बना देते हैं। कंपोस्टिंग, कुछ पदार्थों के विघटित और खाद में परिवर्तित होने की क्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। अब ये देखिए, दो पृथक कूड़ेदान होते हैं, नीले कूड़ेदान जिसमें पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक, धातुएं, कांच आदि। हरे कूड़ेदान, इसमें पादप अथवा जंतु अवशिष्टों को एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विघटित हो जाते हैं और कंपोस्ट में वो बदल जाते हैं,
जिस कंपोस्ट का हम अपने पेड़ पौधों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में आपको बहुत जानकारी मिली, आपको पता चला कि इस प्रकार आप घर में भी अपने कूड़े को अगर एक सेपरेट करेंगे तो आप उनको ठीक से मैनेज कर सकते हैं, आप उनका रिसाइकल कर सकते हैं, पॉलिथीन प्लास्टिक आप उससे कुछ और उपयोग कर सकते हैं, और जो आपका किचन से रिलेटेड वेस्ट है उसको आप कंपोस्ट रूप में बदल के अपने घर के पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो ये से याद रखिए और इसको आप अपने एक्शन में भी लाइए। और इसके साथ हम अब अपना सेशन रोक रहे हैं, अगले सेशन में आगे का टॉपिक लेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।